फ्रेंड्स, दिस इज ईशा। वेलकम टू टेस्ट इंडिया। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल और इजी स्टार्टर, जिसे आप सुबह मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और इवनिंग के स्नैक में भी खा सकते हैं। और उसका नाम है पोहा कटलेट्स। ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पोहा कटलेट्स बनाना चालू करते हैं। पोहा कटलेट बनाने के लिए हमने यहाँ 3 बॉयल आलू लिए हैं, जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है। 1 बॉयल पोहा लिया है, जिसको हमने भिगो लिया है। आधी छोटी चम्मच हम हल्दी पाउडर लेंगे। 1 छोटी चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर लेंगे। आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार लेंगे। 2 हरी मिर्ची ली है, जिसको हमने चॉप कर लिया है। 1 प्याज लिया है, इसको भी हमने चॉप कर लिया है। पोहा कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बॉल, और उस बॉल में हम आलू ऐड करेंगे जो बॉयल है। पोहा ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे, हरी मिर्ची ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, ये स्वाद के अनुसार रहेगा। अमचूर पाउडर ऐड करेंगे, जीरा पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हाथों में हम थोड़ा सा तेल लगा के हाथों को ग्रीस कर लेंगे, और डो का एक पोर्शन लेंगे कटलेट्स बनाने के लिए, और इस तरह से उन्हें रोल कर लेंगे। आपको जैसे कटलेट पसंद हो आप वैसे बना सकते हैं। आप चाहे तो राउंड शेप के बना सकते हैं, या फिर इन्हें रोल करके लंबे शेप में बना सकते हैं। हम इन्हें रोल करके लंबे शेप में बना रहे हैं इस तरीके से, और इस तरीके से अब अपने सारे कटलेट्स तैयार कर लें। ये हमने सारे कटलेट्स बना लिए हैं, अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। कटलेट्स फ्राई करने के लिए हमने यहाँ तेल को अच्छा गरम कर लिया है। अब हम इसमें अपने कटलेट्स फ्राई करेंगे। और गैस की फ्लेम हम मीडियम हाई रख के ही इन्हें फ्राई करेंगे। इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, और बीच बीच में हम इसे फ्लिप करते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे फ्राई हो जाए, अंदर से भी कच्चे ना रहें। ये हमारे कटलेट्स अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इन्हें बाहर निकालेंगे। ये बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं। ये हमारे क्रिस्पी आलू पोहा कटलेट्स बनके तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे बनते हैं, और इन्हें बनाना भी बहुत सिंपल है। आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ खाएं, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।